हरे कृष्णा। तो गति चर्चा कर रहे थे, शरणागति के अलग अलग प्रश्न और भजन। तो उसमें शरणागति के जो अलग अलग भजन है, तो चार भजन हमने चर्चा कर, चार नहीं पांच भजन हो गए, एक इंट्रोडक्शन वाला भी हो गया, तो टोटल पांच भजन हो गए। तो आज छठा भजन चर्चा करेंगे। तो जो टॉपिक हम चर्चा कर रहे हो, तो ह्यूमिलिटी वाला, विनम्रता, ह्यूमिलिटी। तो कुछ जो मैं ग्रुप पे शेयर किया, तो इसको चर्चा करेंगे। किस तरह ह्यूमिलिटी कितना महत्वपूर्ण, शिक्षा शास्त्र का तीसरा श्लोक है, प्रणादपि सुनिचेना सरोरपि सहिष्णुना अमानिना मान देना कीर्तनीय सदा। अगर हम भगवान का नाम अच्छे से करना चाहते हैं, हरि नाम करना चाहते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा हरि नाम करना चाहता है, या बोल सकते हैं कि 24 घंटे, 24 आवर, अगर हम भगवान का नाम करना चाहते हैं, तो आवाज़ तो ठीक ही आ रही है, फुल तो है आवाज़ साउंड। तो अगर हम भगवान नाम 24 घंटे करना चाहते हैं, तो हमें बहुत विनम्र भाव होना पड़ेगा, विनम्रता का भाव होना पड़ेगा, हम्बल होना पड़ेगा। तो जितना हम विनम्र होंगे, उतना अच्छे से हम भगवान का नाम कर सकते हैं, उतना ज़्यादा कर सकते हैं, उतना ज़्यादा नाम में भी रुचि आएगी। तो सबसे सरल तरीका मन को नियंत्रण करने का है, वो भगवान का हरे के नाम का मंत्र करना, हरे कृष्ण मंत्र करना, मना त्राय थी मंत्र। लेकिन वो किस भाव में करना, विनम्रता की, ह्यूमिलिटी के साथ। और भगवद गीता में एक श्लोक है, तीसरे अध्याय का 8वां नंबर श्लोक, वो श्लोक शुरू होता है, अमानित्वम अदम्भित्वम अहिंसा शांति आर्जव, और भी बहुत सारे गुण। तो बहुत सारे गुण भगवान बताते हैं, और उसके एंड में बोलते हैं कि मैं बताता हूँ कि आई डिक्लेयर्ड ऑल दिस टू बी द नॉलेज, मैं इन सबको ज्ञान मानता हूँ। भगवान ने सब बहुत सारी क्वालिटीज बताई, लेकिन सबसे पहली कौन सी बताई, अमानित्व। अमानित्व मतलब खुद मान सम्मान की इच्छा नहीं रखना, ये विनम्रता बोल सकते, ह्यूमिलिटी बोल सकते। तात्पर्य प्रभुपाद बता रहे हैं कि ह्यूमिलिटी क्या है, वन शुड नॉट बी एंशियस टू हैव द सेटिस्फेक्शन ऑफ बीइंग ऑनर्ड बाय अदर। मतलब कोई दूसरे हमें सम्मान करे, इस तरह की इच्छा रखना मन में, इच्छा नहीं रखना, ये विनम्रता है। अगर आपको कहीं सम्मान मिले या ना मिले, आप हमेशा सेटिस्फाइड रहें, वो व्यक्ति आपको सम्मान करे या ना करे, उसमें सेटिस्फेक्शन नहीं होना चाहिए कि मुझे सम्मान क्यों नहीं किया मेरा। तो वन शुड नॉट बी एंग्शियस टू हैव द सेटिस्फेक्शन ऑफ बीइंग ऑनर्ड बाय अदर, ये है ह्यूमिलिटी। इसी तरह भगवान को हम जब अप्रोच करते हैं, गुरु को अप्रोच करते हैं, वैष्णव को अप्रोच करते हैं, तो इस भाव में अप्रोच करना चाहिए, सेवा के भाव में। और ह्यूमिलिटी के भाव से जब अप्रोच करते हैं, तो हमें ज्ञान मिलता है, क्योंकि तो भगवान ने सबसे पहले इस गुण को बताया, अमानित्व, ये ज्ञान। तो अगर हमें ज्ञान चाहिए भी, तो इस भाव से भगवान के पास जाना पड़ेगा। और बिना विनम्रता के आध्यात्मिक प्रगति बिल्कुल असंभव है, हमें हम्बल होना ही पड़ेगा। सबॉर्डिनेट, हम्बल होना मतलब सबॉर्डिनेट होना, सबॉर्डिनेट होना भगवान के, गुरु के, वैष्णव के। जब हम उनके सबॉर्डिनेट होते हैं, तभी कृपा मिलती है, तभी कृपा आती है, तभी ज्ञान आता है, ज्ञान ऊपर से नीचे आता है। तो हमें पहले झुकना होगा, तब ऊपर से ज्ञान नीचे आएगा, इसी तरह कृपा भी आएगी, ज्ञान भी आएगा, सब कुछ आएगा। लेकिन जब हम विनम्र होंगे, हम हम्बल होंगे, तो ये बहुत एक महत्वपूर्ण क्वालिटी है। इस पर बहुत सारे अलग अलग वैष्णव हैं, और उनके अंदर ये गुण हर जगह देखने को मिलेगा, जितने भी वैष्णव है, वैष्णव आचार्य है, उनके अंदर ये विनम्रता का भाव मिलेगा। हरिदास ठाकुर का उदाहरण बताते हैं कि जब वो जगन्नाथपुरी में रहते थे,
उनका जन्म एक मुस्लिम परिवार में हुआ था, और मुस्लिम परिवार में जन्म होने के कारण वो उनको अंदर आने की अनुमति नहीं थी जगन्नाथ मंदिर, और वो भी स्वेच्छा से कभी प्रयास नहीं करते थे कि मैं जगन्नाथ मंदिर में अंदर जाऊं, भगवान का दर्शन करूं, पास से जाऊं। अभी तो लोग जी बहुत पास जाना चाहते थे, जितना पास हो सके, लेकिन वो बहुत दूर से दर्शन करते, चक्र का दर्शन करते थे, सुदर्शन चक्र का दर्शन करते थे, प्रणाम करते थे जगन्नाथ मंदिर को दूर से ही। और लेकिन कितना माला करते थे, 3 लाख माला करते थे रोज। 3 लाख माला मतलब 192 राउंड, 192 माला रोज करते थे, और लेकिन जगन्नाथ जी का दर्शन तो मिलता नहीं था, लेकिन हरिनाम में उनकी बहुत रुचि थी, 192 माला रोज कर देते थे। तो इसी तरह ये ह्यूमिलिटी बहुत महत्वपूर्ण है। हम आज का वैष्णव भजन चर्चा करते हैं, जो श्रील भक्ति विनोद ठाकुर द्वारा रचित है, ह्यूमिलिटी के ऊपर है। ये वैष्णव भजन दीनता के ऊपर है, पांचवा ह्यूमिलिटी का पांचवा पांचवा भजन, शरणागति कौ में श्री भक्ति विनोद ठाकुर द्वारा रचित। प्रभु है सुनो मोर दुखेर कहानी। तो भगवान को जब इस तरह प्रार्थना करते हैं, तो भगवान को प्रार्थना में इस तरह अपने हृदय हृदय को भगवान के सामने प्रकट करना होता है, और हमारे हृदय में कुछ तो है नहीं, दुखी है, तो वो दुख का जो हमारे हृदय में जो दुख है उसे भगवान के सामने प्रकट करना होता है। तो सुन मोर दुखेर कहानी, विषय हलाहल सुधा भाने पीलू आब अवसान दिन मन। तो भक्त ठाकुर बोलते विषय हलाहल, तो भौतिक जगत बोलते हैं इसको विषय, अलग अलग विषय है, तो वो विषय अलग अलग विषय है, वो स्कूल में जाते कॉलेज में जाते हम विषय पढ़ते हैं, अलग अलग सब्जेक्ट, और हमारी पांच ज्ञानेंद्रिया, ज्ञानेंद्रियों के भी पांच सब्जेक्ट मैटर है। तो विषय क्या है, वो हलाहल, वो हलाहल है, भौतिक जगत का जो विषय है वो हलाहल, हलाहल हम उसे जहर को बोलते हैं। विषय में भी विष शब्द आया, यहीं से पता चल रहा है विष। तो भौतिक जगत में मैं क्या सोचा था, सुधा भाने पिए लूं, मैं सोचा था कि इस भौतिक जगत में मुझे क्या मिलेगा, अमृत मिलेगा, भौतिक जगत में अमृत मिलेगा, मैं अमृत की तलाश में था, लेकिन क्या मिला, विष मिला, जहर मिला। तो इस तरह पूरा जीवन ऐसे ही निकल गया, अब अवसान दिन मणि। तो पूरा जीवन मेरा ऐसे ही निकल गया कि हर हमेशा मुझे लग रहा था कि अब मुझे नेक्टर मिलेगा, अब मुझे अमृत मिलेगा अपने जीवन में, अब मिलेगा, अब मिलेगा, अब मिलेगा, इस तरह मैं बूढ़ा हो गया। अब अवसान दिन मणि, मेरा दिन मणि मतलब जीवन खत्म होने वाला है, जीवन दिन बीत गया, ऐसा लगता है भौतिक जगत में सुख का एक ग्लिम्स लगता है, लेकिन वो मिलता नहीं। इस तरह मिराज का उदाहरण देते हैं, मिराज मृग तृष्णा में लगता है, एक मृग को थोड़ा आगे में पानी है, लेकिन पानी नहीं रहता है, वो मिलता नहीं है पानी जितना आगे जाएंगे, लेकिन एक इल्यूजन रहता है, एक मोह रहता है कि शायद पानी मिलेगा। इसी तरह भौतिक जगत की स्थिति है। एक बार एक व्यक्ति को गन्ने का स्टोरी बताते प्रभुपाद की, किस तरह एक व्यक्ति को गन्ने के बारे में सुनाया गया, गन्ने के बारे में बताया गया कि गन्ना ऐसा होता है, एकदम बाग की तरह होता है, उसमें नोट्स रहती है, गठाने रहती है। तो गन्ने के बारे में वर्णन सुन के एक व्यक्ति के अंदर बहुत इच्छा हुआ, चलो मैं गन्ना खाऊंगा। गन्ने को ढूंढने गया खेत में, उस समय गन्ने का खेत तो नहीं मिला, उससे पहले क्या आया, बम्बू का खेत आया, बांस का, और जो डिस्क्रिप्शन सुना था वो तो सब मैच हो गया कि ये तो हाँ इस तरह लंबा है, इसमें गठाने हैं, एक जैसा ही है। तो उसने सोचा कि जो गन्ने का जो जूस था, जो रस था, शायद मुझे इसके अंदर मिलेगा। तो बांस को तोड़ रहा था, उसको दांत से चबाने का प्रयास कर रहा था, सोच रहा था जूस मिलेगा, गन्ने का जूस मिलेगा, लेकिन गन्ने का जूस नहीं मिला,
और उसके दांतों का जूस निकल गया, खून निकल गया। तो उसे लगा कि शायद एक गन्ना अच्छा नहीं होगा, दूसरे बांस में, तीसरे बांस में, अलग अलग बांस में प्रयास कर रहा था, लेकिन गन्ने का रस नहीं मिल रहा था। इसी तरह जो अमृत है, सुधा है, हृदय में जो अमृत चाहिए, जो हमें प्रेम चाहिए, वो प्रेम हम अलग अलग जगह ढूंढते हैं, कभी इस व्यक्ति में, कभी उस व्यक्ति में, कभी इस जगह में, कभी गैजेट में, कभी कार में, कभी अलग अलग जगह हम सुख की तलाश में। लेकिन जहां जहां सुख की तलाश में जाते हैं, वहां विषय हलाहली मिलता है। थोड़ी देर, थोड़ी सी सुख की ग्लिम्स रहती है, बाद में पता चलता है कि यहाँ कोई सुख नहीं है। सुख कहाँ है? वो हाँ, उसके विपरीत में। जिस तरह बात में सुख नहीं है, गन्ने में, इसी तरह सुख कहाँ है? भगवान, आध्यात्मिक चीजों में, भौतिक चीजों में नहीं। खेला रसे शेषव पढ़ई ते केशोर, गोयालु ना भायलो विवेक। तो बोल रहे हैं कि खेला रसे शेषव, मेरा बचपन तो खेलने में चला गया, और पढ़ई ते किशोर, किशोर अवस्था थोड़ा बड़ा हुआ, किशोर अवस्था किस में चली गई? पढ़ने में चली गई, खेलने में। तो खेलने और पढ़ने में पूरा 25-30 साल चले जाते हैं जीवन के। और गोया उन्हों ना फैलो विवेक, और मुझे विवेक बुद्धि आई नहीं, पूरा समय चला गया जीवन। और बता रहे, भोग वशे यौवने हर पति बासिलु सुत मित पाड़ोगा ने। और धीरे धीरे नौकरी लगी, धन आया, गृहस्थ हुए, और इस तरह घर बना, शादी हुई, बहुत सारे बच्चे हुए, और इस तरह बहुत बड़ा परिवार हो गया, समय बहुत कम समय में। वृद्ध काल आयो सब सुख भागल, पीड़ा वश है। इस तरह समय, तुरंत जीवन का समय निकल गया, उम्र क्या आ गया, बुढ़ापा आ गया। वृद्ध काल आओ सब सुख भागल, जैसे ही बुढ़ापा आता है ना, सारे सुख भाग जाते हैं। तो फिर कोई सुख नहीं है, खाने में कुछ सुख नहीं है, लग रहा है गुलाब जामुन है या ये है, चना है, बहुत कुछ है, तो सुख नहीं है, क्योंकि खाएंगे तो पचा नहीं सकते, तो सुख नहीं है। वृद्ध काल में आशाएं रहती है, इच्छाएं रहती है, लेकिन वो इच्छाओं को पूरी करने के लिए शक्ति नहीं रहती, इंद्रिय शक्ति कमजोर हो जाती है, डाइजेशन पावर कमजोर हो जाता है, सारी शक्ति कम हो जाती है। तो इच्छाएं रहती है, लेकिन इच्छाओं को पूरी करने की शक्ति नहीं रहती। तो वृद्ध काल जैसे आता है, सारे सुख सब चला जाता है, भौतिक सुख जिसके पीछे हम जो किए हुए रहते हैं, उसके बाद अब वो मजा नहीं आता, वो सुख में केवल बॉयल खाओ, सलाद खाओ, इस तरह सिंपल खिचड़ी खाओ, ज्यादा सुख नहीं लगा पाएंगे। वृद्ध काल जैसे आएगा, पीड़ा वश है नो कातर, और इस तरह पीड़ा वश है नो कातर, बहुत सारे बीमारी से, पीड़ा के वश में मैं बहुत कमजोर हो गया इस बुढ़ापा आने से। सर्वेंद्रिय दुर्बल, जितनी भी इंद्रियां थी, जैसे ही बुढ़ापा आता है सब दुर्बल हो जाती है, आंखों से देखना कमजोर हो जाता है, दिखता नहीं है, कानों से सुनाई नहीं देता है, जीवा से ज्यादा खा नहीं सकते, पचा नहीं सकते, सारी इंद्रियां दुर्बल हो जाती है। क्षीण कलेवर, शरीर भी मुरझा जाता है, होगा अभावे दुखित अंतर, और हृदय अभी भी सेटिस्फाइड नहीं हुआ, शरीर कमजोर हो गया, लेकिन हृदय में अभी भी इच्छाएं हैं, भोगने की इच्छा है, लेकिन शक भोग की इंद्रियां कमजोर हो गई, भोग अभावे दुखित अंतर, तो इसलिए हृदय दुखी रहता है, क्योंकि भोग नहीं कर पा रहा हूं। और बोल रहे हैं बच्चू ठाकुर, ज्ञान लवहीन भक्ति रसे वंचित, आर मोर की हो गए उपाय। तो इस तरह जीवन तो निकाल दिया, उसमें कोई ज्ञान भी नहीं है, जो भक्ति का ज्ञान, जो सही ज्ञान हमें जीवन में अर्जित करना चाहिए, वो भी अर्जित नहीं किया। ज्ञान लवहीन, उस ज्ञान से मैं विहीन, तो सही ज्ञान भी अर्जित नहीं किया। भक्ति रसे वंचित, भक्ति रस से भी वंचित है, क्योंकि भक्ति रस अगर जीवन में नहीं है, तो बाकी रस जिसमें हम प्रयास कर रहे थे, शायद ये रस, वो रस, ये रस, जितने भी रस है, वो रस नहीं है, वो विषय है। उसमें थोड़ी देर लगेगा रस है, लेकिन बाद में पता चलता है कि वो कड़वा है, रस नहीं है।
आनंद नहीं आता। तो भक्ति जीवन भर किया नहीं, बुढ़ापे में कैसे करेंगे एकदम, तो उसमें भी रस नहीं आ रहा। भक्ति रस वंचित हार मोर की हो पाए उपाय। तो आप भगवान से इस तरह प्रार्थना कर रहे कि भगवान अभी क्या उपाय होगा, क्या होगा इस जीवन में। तो भगवान को इस तरह प्रार्थना कर रहे हैं कि पतित बंधु तुहु पतित अधम हाम कृपाय उठाओ तो उपाय। तो भगवान से इस तरह प्रार्थना करना चाहिए, किस तरह प्रार्थना करना चाहिए, पतित बंधु तुहु, हे भगवान आप कृपण है, पतित बंधु है, आप पतित पावन है, पतितों के स्वामी है, पतितों को आप प्रेम करते हैं, उनका उद्धार करते हैं, और पतित अधम हाम, और आप पतितों का उद्धार करते हैं, और पतितों में भी जो सबसे अधम पतित है वो मैं हूँ। इस तरह अनुभव करना चाहिए, इस तरह सोचना चाहिए, तभी भगवान की कृपा मिलती है। कृपाए उठाओ तो उपाय, तो आप कृपया आपने चरण कमल उठाइए, मेरा उद्धार करिए, क्योंकि तो आप पतित बंधु हैं और मैं पतितों में सबसे अधम हूँ, इसीलिए हमारा संबंध है। इस तरह आप रास्ते से जा रहे हैं, एक व्यक्ति से आपका मिलना हुआ और वो पता चलता, वो आपको पता चला कि वो डॉक्टर है और वो बहुत स्पेशलिस्ट है, डायबिटीज का स्पेशलिस्ट है, और वो डायबिटीज का बहुत अच्छा डॉक्टर है, अच्छे अच्छे लोग का उसने डायबिटीज ठीक कर दिया है, उसके बारे में आपको पता चलता है और आपको डायबिटीज की बीमारी है, तो आप उससे चर्चा करेंगे, बातें करेंगे, तो फिर बताएंगे ना अपना समस्या कि देखो मैं उस, आप पता चला कि अच्छा ये तो डायबिटीज का बहुत बड़ा डॉक्टर है और अच्छे अच्छों को डायबिटीज ठीक कर दिया है, या डायबिटीज या कोई दूसरी बीमारी भी ले सकते हैं जो आपको, जो बीमारी है और आपको उसी बीमारी का एक डॉक्टर मिला, बहुत बेस्ट डॉक्टर है, उस बीमारी का इलाज कर देगा, तो आप उस डॉक्टर डॉक्टर से बात करेंगे कि नहीं करेंगे। बात करेंगे ना, धीरे धीरे हम उससे बात करेंगे, चर्चा करेंगे, और बातों में हम क्या बताएंगे उससे, जैसे हमें पता चलेगा कि ये इसकी बहुत बड़ा डॉक्टर है इस बीमारी का और वो बीमारी तो मुझे है, तो हम तुरंत उस व्यक्ति को हमारी बीमारी बताना शुरू कर देंगे ना कि अरे डॉक्टर साहब आपने तो अच्छे अच्छे लोगों का उद्धार किया है, उसका इलाज किया है, सबका बीमारी ठीक कर दिया और मुझे भी यही बीमारी है, तो मेरी बीमारी भी देख लीजिए, आपका माइग्रेन का बीमारी, सिर दर्द का, सिर दर्द का एक डॉक्टर मिल गया जो बहुत स्पेशलिस्ट है, सिर का इलाज किया, तो आप उस डॉक्टर से मिलेंगे और बिना अपना सिर दर्द के बारे में उसको बिना बताए क्या चले आएंगे क्या, वो तो होगा ही नहीं है, तो अगर आप उससे मिलेंगे तो जरूर आप जिक्र करेंगे कि मुझे भी बीमारी है, कुछ उपाय बताइए, मैं बहुत परेशान हूँ। इसी तरह भगवान पतित बंधु है और हम क्या है, पतित अदा, तो ये हमारा संबंध हो गया है, तो वो डायबिटीज का पेशेंट है, वो डायबिटीज का डॉक्टर है, दोनों का एक कनेक्शन हो गया, सर भगवान पतित पावन है और हम पतित है, तो इसीलिए भगवान का हमारे साथ एक संबंध हो गया है, इसलिए भगवान से प्रार्थना करना चाहिए कि आप उद्धार करिए, कृपया उठाओ तो उपाय, विचारित आब ही गुण नहीं पाओगी। तो भगवान से क्या प्रार्थना करना है कि हे भगवान आप अगर सोचे कि आप विचार करेंगे कि मेरे अंदर कुछ गुण है क्या जिससे मेरे ऊपर कृपा करनी चाहिए, तो गुण नहीं पाओगे, तो मेरे अंदर कोई गुण नहीं, मेरे अंदर कोई गुण नहीं है जिससे कि आप मेरे ऊपर कुछ कृपा कर पाए, मेरे अंदर मैं अयोग्य हूँ, कोई गुण नहीं है, बहुत पतित हूँ, आप विचार ही मत करिए मेरे अंदर कुछ गुणों को, क्योंकि तो विचार करेंगे तो आपको कुछ कोई गुण दिखेंगे ही नहीं, मेरे अंदर कोई गुण नहीं है, गुण नहीं पाओगे, कोई गुण नहीं, कृपा कर छोड़त विचार, तो आप मेरे अंदर कुछ योग्यता देखने का, अगर आपके अंदर इच्छा हो कि इसके अंदर कुछ योग्यता तो देखें क्या योग्यता है, इसके ऊपर कृपा करें, तो बोल रहे हैं कि मेरे अंदर कोई योग्यता नहीं है, तब पद पंकज सिधु पिया पिबाओ भक्ति विनोद कर पात, तो बिना किसी योग्यता के, मेरे अंदर कोई योग्यता नहीं है, आप मेरे ऊपर किस प्रकार कृपा करिए, अहैतु की कृपा करिए, अहैतु की मतलब जिसका कोई हेतु नहीं, बिना हेतु के कृपा करें, इस तरह भगवान से प्रार्थना करें कि भगवान
आप मेरे ऊपर अहेतु की कृपा करिए। और उसके बाद तव पाद पंकज सिधु पिया पिबाओ। और आपके चरण कमल में जो नेक्टर है, जो अमृत है आपके चरण कमल का, आप उसको आप उसे मुझे आस्वादन कराइए और मुझे भौतिक जगत से पार करिए। इस तरह भगवान से प्रार्थना करिए कि भगवान आपके चरण कमल का अमृत या अपने चरण कमल में आश्रय दीजिए, भौतिक जगत से पार करिए। मेरे अंदर कोई विचार कोई गुण नहीं है, ऐसा आप विचार ही मत करिए। आप मेरे ऊपर ऐसे ही अहेतु की कृपा करिए, क्योंकि मैं बहुत पतित हूँ, आप पतितों का उद्धार करने वाले हैं, इसलिए आप मेरा उद्धार करिए। मेरे अंदर कोई ज्ञान नहीं है, मैं भक्ति रस से वंचित हूँ और मेरे कोई उपाय नहीं दिख रहा है इस भौतिक जगत से पार होने का, और इस तरह मैं बूढ़ा हो गया हूँ, समय निकल गया है, इसीलिए हे भगवान आप कृपा करके मेरा उद्धार करिए। तो ये एक भजन है एक ह्यूमिलिटी देवता के भाव में श्री भक्ति विनोद ठाकुर द्वारा रचित सुन मोर दुखेर कहानी। तो इस तरह दीनता की दैन्य कैटेगरी में 7 भजन हैं, 7 में से 5 हमने चर्चा कर ली, 2 और बचे हैं, तो हम कल और परसों चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम 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 जय।